अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय कटहल जी, राजेंद्र जी, राम प्रकाश जी, दिनेश गुप्ता जी, मुकेश अग्रवाल जी और इस मौके पर उपस्थित हमारे डॉक्टर लोहिया साहब, चंद प्रकाश जी, राजेंद्र सेठ जी, दादा नेखरा जी, दादा गेंगरे साहब, ब्रजेश गुप्ता जी, अशोक गैड़ा जी, आर के गुप्ता जी और सभी गवई समाज के हमारे परिवार के सभी सदस्य भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं इस अवसर पर दद्दा मैथिली शरण जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज चुनाव की बेला है और चुनाव की बेला में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम चुनाव में पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। यहाँ डॉक्टर लोहिया जी भी बैठे हैं, धनेली जी भी बैठे हैं, दिनेश जी भी हैं, नेखरा जी भी हैं। तो मैं तो जितने चुनाव लड़ा हूँ हमेशा गवई समाज ने ही आगे बढ़ के चुनाव लड़ा है और आज भी जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मुझे आज मुरैना जाना था तो मैंने कहा कि सवेरे कर लो भाई, मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा। और मेरे मन में इच्छा थी कि इस बहाने सभी पुराने नए गवई समाज के अपने बंधुओं का दर्शन करने का सौभाग्य इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे मिल जाए। चुनाव जब होता है तो अनेक प्रकार की चर्चाएं तो रहती हैं, पार्टियों के बारे में भी रहती हैं, प्रत्याशियों के बारे में भी रहती हैं और बुद्धिमत्ता इसी के लिए होती है कि अगर दलदल मचा है तो हम अपनी बुद्धि का, शक्ति का इस्तेमाल करें और उसमें से कमल को निकाल लें। नहीं तो दलदल तो मचा ही हुआ है और कई लोग दलदल में ही विचरते रहते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो दलदल में से भी अच्छाई को निकाल लेते हैं। और गहोई वैश्य समाज की प्रेरणा दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दद्दा ने जो लिखा उसको अगर पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि गहोई समाज न तो किसी के प्रभाव में रहा और ना ही किसी के दबाव में रहा। जो बात मन में आई वह बात रखने का साहस गहोई समाज ने किया। अभी दिनेश गुप्ता जी यहाँ अपना भाषण कर रहे थे, भाषण देते में थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ जितना उनके भाषण का भाव मैं समझ पाया वो कुल मिला के यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि ईश्वर ने जो दायित्व तो हमें दिया है उस दायित्व को पूरा करने में किसी का भी दबाव आए तो दबना नहीं चाहिए, प्रभाव आए तो प्रभाव में आना नहीं चाहिए। उसका मूल सार यही है। जहां तक वैश्य समाज का मामला है तो हम सब इस बात को जानते हैं
कि वैश्य में गहोई हो, जैन हो, माहौर हो, अग्रवाल हो, वैश्य माने वैश्य है, पूजा पद्धति चलन प्रचलन अलग अलग हो सकते हैं, गोत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वैश्य माने वैश्य है। और वैश्य की प्रेरणा क्या है? वैश्य की प्रेरणा भामाशाह है। अगर वैश्य स्वार्थी होता तो भामाशाह ने अपना खजाना महाराणा प्रताप के लिए नहीं खोला होता। और अगर ग्वालियर की भी बात लें तो ग्वालियर में 2857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, रानी झांसी देश को आजाद कराने के लिए लड़ते लड़ते ग्वालियर में आई और ग्वालियर के किले पर वो 18 दिन रही। 18 दिन रहने का मतलब यह है कि ग्वालियर के राज्य पर उसका 18 दिन तक अधिकार रहा। किसी ने नहीं समझा, लेकिन अमरचंद बाटिया वैश्य था, खजांची था, उसने ये समझ लिया था, उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि वो वैश्य है, कल उसका क्या होगा, लेकिन राज्य के प्रति जो उसकी निष्ठा होनी चाहिए तो उसने खजाना महारानी लक्ष्मीबाई के लिए खोल दिया था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 6 दिन में FIR भी करी, 6 दिन में जांच भी करी, 6 दिन में कोर्ट भी बैठा और 6 दिन में कोर्ट की ट्रायल करके अमरचंद बाटिया को सराफे में फांसी पर लटका दिया गया था। तो वैश्य समाज की इतिहास में बड़ी भूमिका रही है और इस भूमिका को हम सब लोगों को समझना चाहिए। हम लोग अन्याय और अत्याचार से पीड़ित होते रहते हैं। मुझे अभी कोई बता रहा था कि कोविड के संकट के दौरान थैले बढ़ रहे थे तो कई लोगों के लाखों रुपए अभी तक नहीं मिले। अब बताओगे भी नहीं, मदद भी नहीं मांगोगे तो मिलेंगे थोड़ी, और ऊपर से दबके और ताकत दे दोगे तो जिंदगी भर थैले ही बांटते रहोगे। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जब परीक्षा की घड़ी हो तो वैश्य समाज को भामाशाह के इतिहास से प्रेरणा लो, अमरचंद बाटिया के इतिहास से प्रेरणा लो और दद्दा मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़कर उससे प्रेरणा ग्रहण करो और अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन करो। इस चुनाव में चाहे प्रद्युम्न सिंह जी हो और चाहे मुन्ना लाल गोयल जी हो। अभी राजन जी कह रहे थे कि मुन्ना लाल गोयल जी से कुछ शिकायतें होंगी ही, मतलब मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर मुन्ना लाल गोयल या प्रद्युम्न से आपको कोई शिकायत है और आप उनके लिए काम करके उनको जिताते हो और उस शिकायत को लेकर मेरे पास आते हो तो मैं उस शिकायत का निराकरण कराने की कोशिश पूरी ईमानदारी से करूंगा। लेकिन अगर ये नहीं जीते, दूसरे लोग जीते, तो शिकायतें तो उनसे भी इनसे बड़ी बड़ी होंगी,
और जो शिकायतें होंगी उन शिकायतों को आप उजागर भी नहीं कर पाओगे। वो स्थिति बनेगी कि मारेगा भी और रोन भी नहीं देगा। अब तय आप लोगों को करना है कि क्या करना है। मैं तो भाई भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी में ही आंखें खोली है और भारतीय जनता पार्टी में ही बंद होंगी। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि इधर उधर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। गहोई समाज की एक अपनी साख है, गहोई समाज की एक अपनी पहचान है। उस साख और पहचान को बरकरार बनाए रखना चाहिए। यहां सभी शाखाओं के प्रमुख लोग बैठे हैं। कुछ लोग किसी किसी कारण से नहीं आए होंगे, उनके पास भी जाना चाहिए। जिनसे मुझे बात करना है वो नाम मुझे भी बताना चाहिए, मैं भी उनसे बात करूंगा। लेकिन गली गली में फैल जाओ और राष्ट्र हित में और दद्दा मैथिली शरण गुप्त के संदेश को इस देश में मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करो और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको जिताओ। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अब इतनी हिम्मत तुम्हें जुटाना पड़ेगी कि अगर वो शिकायत पैदा करे तो वो शिकायत लेकर आप मुझ तक आ सको। इतनी हिम्मत तो तुम्हें जुटाना पड़ेगी। लेकिन आप अगर शिकायत मुझ तक लेके आओगे तो मैं शिकायत का निराकरण कराने में 1% भी कंजूसी नहीं करूंगा। जहां तक लोहिया बाजार के व्यापारियों का मामला है तो मुझे पहले लोग मिले थे और मैंने उनसे बातचीत की थी। लोहिया बाजार को शिफ्ट करना यह प्रोजेक्ट मैंने ही शुरू कराया था। बीच में लोहिया बाजार के लोग ही थोड़े आलस में पड़ गए, इधर से उधर घूमते रहे और उसके कारण वो समस्या खड़ी हुई। लेकिन अभी जब धरना चल रहा था तो मुझे पुनः बताया, तो सभी लोहिया बाजार के लोगों को बुलाकर मैंने कलेक्टर कमिश्नर से बात करी, चीफ सेक्रेटरी से बात करी, आपका प्रोजेक्ट एकदम मुकाम पर पहुंच गया है, आचार संहिता खत्म होगी, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और नहीं हो तो चुनाव के बाद मुझसे मिलने में कंजूसी मत करना। मिलोगे आप, परेशान मुझे आप करोगे तो मैं आपका काम करा दूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी।